Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Indian Contract Act. In the last previous class of Indian Contract Act, we have already discussed about the concept of undue influence. In today's lecture, we will continue with the concept of fraud. Because fraud ka kya concept hai uske bare mein thoda detail mein hum discuss karenge. इट मे बी लेंथी लेक्चर और अगर लेंथी नहीं भी हुआ तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 17 कहता क्या है. देखिए सेक्शन 17 की अगर आप बात करो, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूसिव मीनिंग भी बता रहा है और उसमें इंक्लूड्स भी कर रहा है क्या क्या चीज़ें. एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, फॉलोइंग एक्ट्स का मतलब जो एक्ट ये 1-2 लेकर 4-5 तक दिए गए हैं. Any of the following acts committed by a party, जो पार्टी के द्वारा कमिट किए गए हैं, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. और विद हिज कन्निवेंस, कन्निवेंस का मतलब होता है कनाइवेंस भी बोल सकते हैं, मिली भक्ति तरीके से मिली भक्ति कह सकते हो, आपको कुटिलता कह सकते हो, कई प्रकार के मीनिंग इसके निकलते हैं. तो ये मिली भक्ति हो सकती है विद हिज कन्निवेंस, मिली भक्ति के साथ, और बाय हिज एजेंट या उसके एजेंट के साथ, या तो पार्टी खुद के साथ मिली भक्ति करके किया गया हो या एजेंट के द्वारा. विद इंटेंट टू डिसीव अनदर, क्या इंटेंशन है डिसीव करने की, डिसीव मतलब धोखा देने की, रॉन्गफुल इंटेंशन है या देयर टू ऑफ हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम, जिससे वो प्रेरित कर सके कि किसी कॉन्टेक्ट में जाना है. देखिए अगर आप एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ. मान लीजिए ये व्यक्ति है ए, ठीक है, ये कहता है जी मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस के पर्पज से बिल्कुल ठीक हो. ये किसी व्यक्ति के पास जाता है बी के पास कि मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दिलवाओ. बी जो है कोई सी के साथ मिलकर एक ऐसी प्रॉपर्टी इसको सेल कर देते हैं जिस प्रॉपर्टी पर लीगल जो आप कह सकते हो पोजेशन इस सी का है ही नहीं. अब ए क्या करता है, इन दोनों की मिली भक्ति के कारण अपना एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. बाद में से पता चलता है कि इस जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है, खरीदने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो इलीगल है, इनके सी का पोजीशन इलीगल है, वो तो कब्जे की प्रॉपर्टी है. तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, फ्रॉड किया. अगर कोई भी पार्टी फ्री कंसेंट से अगर एग्रीमेंट नहीं करती है तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट बन जाता है. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में गलती से वॉइड करवा दिया था, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी फ्री कंसेंट के बिना कोई भी एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो जाता है. जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर फ्री कंसेंट से मैरिज नहीं हुई तो वो वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर होती है. तो ये है कुछ पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए. तो इस प्रकार से अगर फ्रॉड खुद पार्टी ने किया है या किसी के साथ मिलकर किया है तो वो क्या माना जाएगा, वो इसी कैटेगरी में फॉल कर जाएगा. तो बेसिकली टू पॉइंट्स जो है यहाँ पर माने जाते हैं, इन्ग्रीडियंट्स क्या होंगे जब कोई फ्रॉड कर रहा है, किस चीज़ का कर रहा है, किस बात पर कर रहा है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. देखिए इसमें ये कहा गया है, सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू. एक ऐसा सजेशन, एक ऐसा सुझाव, सुझाव मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो फैक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि सही नहीं है, सच्ची नहीं है. बाय वन हु डज नॉट बिलीव, और जो ये बता रहा है, जो कोई व्यक्ति अपनी कोई बात रख रहा है, अपना कोई पक्ष रख रहा है, उसे पता भी है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है. पहला तो ये पॉइंट होगा. सेकेंड एक्टिव कंसीलमेंट, उस फैक्ट का एक्टिवली कंसील कर दिया गया उस फैक्ट को बाय वन हैविंग नॉलेज, जिस व्यक्ति को पता था कि ये चीज़ बतानी. जैसे ये प्रॉपर्टी का मैंने एग्जाम्पल लिया, बी को अच्छे वाला पता था कि सी का उस पर लीगल पोजीशन नहीं है, उसके बावजूद भी वो सी की प्रॉपर्टी का ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा. फिर एक ऐसा प्रोमिस कर देता है कोई व्यक्ति विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग, जिसकी इंटेंशन नहीं है कि वो उस प्रोमिस को पूरा करेगा, यानी कि गलत प्रोमिस, झूठा वादा कर दिया. एनी अदर एक्ट, कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे कि डिसीव हो, धोखाधड़ी का जिसमें कंसेप्ट निकल के आता हो, डिसीव का कंसेप्ट निकल के आता हो. एनी सच एक्ट और ओमिशन, या कोई ऐसा एक्ट किया गया है एक पार्टी के द्वारा या नहीं किया गया जो उसे करना चाहिए था, तो वो फ्रॉडोलेंट की कैटेगरी में अगर आता है, फ्रॉडोलेंट का मतलब जो आईपीसी के अंदर फ्रॉडोलेंट की डेफिनेशन है, अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है. अब एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contact is not fraud. कोई व्यक्ति सिर्फ चुप है, उसने ये भी नहीं बताया, उसने ये भी नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी सी की जो है
इलीगल है, ठीक है, लेकिन उससे पूछा भी नहीं गया कि ये लीगल है इलीगल, तो उस मामले में फ्रॉड नहीं आएगा, जब तक कि जो सरकमस्टेंसेस है उस केस की वो ये ना कह दें कि वहां पर उसकी ड्यूटी थी स्पीक की, उसकी ड्यूटी थी बोलने की और उसे बोलना चाहिए था, जबकि ये माना जाए कि जब उसकी चुप्पी भी एक ये माना जाएगा कि उसने बोला है। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने किया इस मकान वाला प्लॉट वाला, ए ने बी से पूछा किस प्रॉपर्टी के बारे में, सी की प्रॉपर्टी के बारे में, कि ये प्रॉपर्टी सही है क्या, यहाँ पर ड्यूटी बनती थी बी की कि बताना कि वो प्रॉपर्टी इलीगल है, इलीगल पोजेशन में है, लेकिन यहाँ वो नहीं बता रहा, यहाँ पर उसकी ड्यूटी बनती थी लेकिन उसने नहीं बताया, फिर भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर ये इससे पूछता है, साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंट है, ए कहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल चुप है, तो ए को लगता है कि हाँ ये सही बोला है, तो ये भी क्या है, फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा ये मैंने आपको बेयर प्रोविजन बता दिया, ये कुछ कह रहे हैं, अब इन पांचों को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लोगे और सेकेंड इंग्रेडिएंट हो जाएगा रॉन्गफुल इंटेंशन, तो ये दोनों पॉइंट्स हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाते हैं हमारे बोर्ड पर जिससे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए फ्रॉड क्या है, अगर नॉर्मल सेंस में उस व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, चीटिंग कर दिया, तो ये सब कुछ फ्रॉड की कैटेगरी में ही आ जाता है। अगर हम ये देखें कभी जब कभी भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जहां पर व्यक्ति की कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं होगी तो वो क्या माना जाएगा, वो फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा, और फ्री कंसेंट होना जरूरी है, और जब हम फ्री कंसेंट की बात करते हैं तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी विच इज डिराइव्ड, फ्री कंसेंट इज नॉट फ्री वेन इट इज डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड बाय किस तरीके से ली गई है, या तो कोर्जन किया गया है, या अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है, या फ्रॉड हुआ है, या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, और या फिर मिस्टेक हुई है, तो इनको क्या माना जाता है कि ये एक फ्री कंसेंट नहीं है, तो फ्रॉड हुआ है तो फ्री कंसेंट हो ही नहीं सकती, तो वो कॉन्टैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है, कॉन्टैक्ट तो ये बना ही नहीं ना क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं, तो ये एग्रीमेंट है, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ पॉइंट्स। अब अगर हम फ्रॉड की हम बात करते हैं तो बेसिकली फ्रॉड के टू इंग्रेडिएंट्स आप इस डेफिनेशन में लेकर चलोगे, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो देर आर टू इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 17 के, अगर दो एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो 5 पॉइंट्स हमने देखे थे वो सारे के सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो फॉल करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, उन सभी में फॉल्स स्टेटमेंट हुई है, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, अगर दो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आ जाएगा, और सेकंड क्या है, रॉन्गफुल इंटेंशन है, रॉन्गफुल इंटेंशन, ये दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम वन बाय वन जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट के अंदर 5 क्लोज दिए गए, फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपका क्या कहता है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट आपने बताई, आपको पता है कि वो स्टेटमेंट सही नहीं है, फिर भी आप जो है उसको स्टेटमेंट दे देते हो कि हालांकि 100% आप श्योर हो उस मामले में, ठीक है। इसके लिए ये एक स्टेटमेंट दी जाती है, फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि स्टेटमेंट गिवन बाय यू इज नॉट ट्रू, आपको पता भी है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है एंड यू हैव नॉलेज अबाउट दैट स्टेटमेंट, एंड यू हैव नॉलेज अबाउट दैट स्टेटमेंट, आपके पास उस स्टेटमेंट के प्रति नॉलेज भी है कि हाँ ये स्टेटमेंट आपने गलत दे दी है। चलो देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ही नोज टू बी अनसाउंड, ए जो है अपना घोड़ा लेके जाता है ऑक्शन के अंदर जहाँ पर बोली हो रही है, नीलामी हो रही है, और बी को वहाँ पर बेच देता है, ए को पता है कि वो अनसाउंड है, वो सही नहीं है, वो पागल है, ए सेज नथिंग टू बी, यहाँ ए ने बी से कुछ नहीं कहा, ए ने बी से कुछ नहीं कहा उस हॉर्स के अनसाउंडनेस के बारे में, तो इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। फ्रॉड क्यों नहीं माना जाएगा,
क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं, लेकिन क्या बी ने यहाँ पर पूछा कि क्या आपका घोड़ा सही है या नहीं है, उसने नहीं बताया, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। बी इज एज डॉटर, बी जो है वो ए की डॉटर है एंड जस्ट कम ऑफ एज। हेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट इज ड्यूटी एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। यहाँ जो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अगर यहाँ पर ए की ड्यूटी बनती थी कि वो बी को ये बताए, ए अगर मान लो फादर है और बी डॉटर है तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये फ्रॉड माना जाएगा। बी सेज टू ए, बी ए को कहता है अगर तुम मना करते हो तो मैं ये मान लूंगा कि ये घोड़ा जो है सही है, ठीक है। ए कुछ नहीं कहता, तो ए का जो साइलेंस है, ए से कुछ सवाल पूछा गया, ए ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि जो उसका साइलेंस था वो बोलने के बराबर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी दो व्यापारी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं। ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, ए को पता है कि वो प्राइस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होने वाले हैं जो बी की विलिंगनेस को इफेक्ट कर सकता है। ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझिए। ये कहता है कि यहाँ पर कुछ सामान है, सामान का छोड़ो हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मौजूदा टाइम में पेट्रोल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है, ये सारा माल ए के पास है, ए उसको सेल करना चाहता है, बी खरीदना चाहता है, बी वांट टू परचेज, बी को पता है कि कल को उसके प्राइस जो है हाई हो जाएंगी, तो अगर बी ने प्राइस हाई होंगे इसके बारे में ए को नहीं बताया तो इट इज़ नॉट फ्रॉड। ये फ्रॉड कैसे हो जाएगा, इसे आप फ्रॉड नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपने फैक्ट्स ऐसे बताए जो आपको पता है कि ये फैक्ट सही नहीं है, जो आपने एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है, जब आपने एक्सप्रेस किए हैं तब तो वो फैक्ट जो है वो क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे, यानी कि सही फैक्ट्स आपने बताने चाहिए थे, ये आपकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन एक पॉइंट और इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल है, एक केस का नाम है, वो थोड़ा देख लीजिए। श्री कृष्णा, ये मैं बांगे की बुक से करवा रही हूँ, वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, इसमें एक फॉर्म फिल करना था, इस व्यक्ति ने ये उसमें शॉर्ट अटेंडेंस का उसमें कोई जिक्र नहीं किया, शॉर्ट अटेंडेंस का उसने कोई जिक्र नहीं किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका एडमिशन जो है कैंसिल हो गया, एडमिशन कैंसिल हो गया। वो व्यक्ति गया कोर्ट में, कोर्ट में क्या कहा गया कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कहता है कि उनसे छुपाया गया था फैक्ट, इसलिए उसका एडमिशन कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बात कही कि इस मामले में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है और यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दे। अगर शॉर्ट अटेंडेंस उसने नहीं बताई तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था, और अगर फिर भी शॉर्ट अटेंडेंस है तो उसकी आप शॉर्ट अटेंडेंस की बेस पे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हो, उसको अटेंडेंस पूरी करने का बोल सकते हो, पर उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है फ्रॉड नहीं बोला गया था, ठीक है। जो एक पॉइंट है ना, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये पॉइंट है, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो सिर्फ साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं होगा, अगर आप चुप बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रॉड किया, आपने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन आपने फ्रॉड के मकसद से नहीं बताया। बट इसके भी एक्सेप्शन है कि कहाँ पर साइलेंस जो है फ्रॉड बन जाता है। पहला पॉइंट है आपका ड्यूटी टू स्पीक, जहां पर आपकी ड्यूटी थी, ड्यूटी टू स्पीक, तो वो फ्रॉड बन जाता है। सेकंड, वेयर साइलेंस इटसेल्फ, साइलेंस इटसेल्फ अ स्पीच, जहां आप चुप हो वो ये माना जाएगा कि आपकी स्पीच है, जिसके लिए हमने अभी हॉर्स वाले एग्जांपल किए थे। तो इसे ज़्यादा हमें इस पर डिटेल की
कोई जरूरत नहीं है। ड्यूटीज टू स्पीक के अंदर तो वो पॉइंट आता है, एक टर्म होती है उब्रीमा फाइडी, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ। अगर एक फादर है ठीक है और एक डॉटर है, डॉटर फादर से परचेज करती है कार, परचेज कार, कार में कुछ कमियां थी, इसने डॉटर को नहीं बताया, अपनी बेटी को नहीं बताया। हेयर डॉटर हैव उब्रीमाफाइडी, डॉटर का जो है अटमोस्ट गुड फेथ है अपने फादर पे, तो यहां पर अगर उसने नहीं बताया तो वो क्या माना जाएगा, वो फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। अगर मान लीजिए डॉटर फादर से पूछती है कि पापा अगर ये कार में कुछ नुक्स है क्या, नुक्स है या नहीं है, पापा चुप रहते हैं, इसका मतलब नुक्स नहीं है, तो ये भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ये है बेसिक इसका पॉइंट, इससे ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसी से सफिशिएंट हो जाएगा कि वैसे तो चुप रहना फ्रॉड नहीं माना जाएगा, लेकिन जहां पर उब्रीमाफाइडी है, अटमोस्ट गुड फेथ की बात हो रही है, वहां पर अगर नहीं बताया जाता तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। जहां पर मटीरियल फैक्ट है वो उसे बताना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर मटीरियल फैक्ट को आप नहीं बताओगे तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करते हैं, एक केस है राजेंद्र सिंह वर्सेस पोमिला। इस केस में बेसिकली फैक्ट्स क्या थे कि इस फैक्ट में जो मैरिटल स्टेटस को डिस्क्लोज की नहीं किया गया, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मैरिटल या मैरिटल स्टेटस अमाउंट टू फ्रॉड एंड एज पर सेक्शन 12(1)(c) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट द मैरिज विल बी वॉइडेबल। तो अगर शादी से पहले हस्बैंड या वाइफ किसी ने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है ऑलरेडी और उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, तो वो क्या माना जाएगा, वो फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। अब बात आती है कि हाफ ट्रुथ, अगर मान लो ठीक है ये बात तो ठीक है कि उसने पूरे सच की बात है, अब अगर एक बात आ जाए कि अगर हाफ ट्रुथ कोई बताता है, हाफ ट्रुथ, इसे आप हाफ ट्रुथ के अंदर ये कह सकते हो कि कुछ फैक्ट्स बताने थे लेकिन आपने सारे नहीं बताए, कुछ फैक्ट्स छुपा लिया, तो क्या वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए जब बात होती है हाफ ट्रुथ की, इट इज नॉट द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड, इट इज ओनली मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। एक कोई व्यक्ति है, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी की बात थी, ठीक है, उसने ये एक प्रॉपर्टी है ए के पास ये प्रॉपर्टी है, बी आता है ए के पास, कहता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप मुझे लीज पर दे दो, किराए पर दे दो मुझे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बी को ये लगा कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी की जो है मुझे मिलेगी किराए पर, और यहाँ पर ए ने ये बात कही कि ठीक है आप इसको जो है लीज पर ले लो, और अभी जो है इसकी कुछ पोर्शन पर
कोई और व्यक्ति बैठा है कुछ पोर्शन पर, इतने पोर्शन पर, इतना ट्रस्ट बता दिया, इतने पोर्शन पे एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जो एंट्रेंस है, इस पोर्शन का जो एंट्रेंस है वो भी यहां से है। तो यहां पर हाफ ट्रस्ट तो बता दिया कि एक और व्यक्ति बैठा है, लीज पर ऑलरेडी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पोर्शन यहां पर है। तो इसने क्या किया, इन्हें यहां पर मिसरिप्रेजेंट किया, अपने आप को गलत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, तो इसे थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टर्म, सेकंड जो पॉइंट है 17 का जो क्लोज टू है, वो कहता है आपको एक्टिव कंसीलमेंट की। अभी एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सेक्शन 17 का क्लोज टू बात करता है एक्टिवली, एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर ड्यूटी तो बनती थी उसकी कि उसे कुछ बताना है, लेकिन वो उसको छुपा जाता है। उसको नॉलेज और बिलीफ है कि जहां पर एक एक्टिव कंसीलमेंट तब माना जाएगा फैक्ट का, जब वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड अमाउंट टू फ्रॉड। कि जहां पर दूसरा व्यक्ति जो है उस पर विश्वास करता है, फेथ करता है, बिलीव करता है, और जो सेकंड पर्सन है वो उस बात को छुपा जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम अगर समझें, ए जो है एक कोई आदमी है जिसकी डेथ होने वाली है, या डेथ होने वाली ना भी हो, कोई व्यक्ति है जिसका अकेला वारिस है बी। ए की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसको आ जाएगी, बी को, ठीक है। एक व्यक्ति है कोई सी, वो ये वाली जो प्रॉपर्टी जो ए की है उसको खरीदना चाहता है। सी को पता है, सी को पता है कि ए की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन बी को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो सी आता है बी को, कहता है कि तू उस प्रॉपर्टी का मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, कि जब वो प्रॉपर्टी तुझे मिलेगी तो मैं उसका हकदार बन जाऊंगा। तो इस बात का पता होते हुए भी कि वो ए की डेथ हो चुकी है, और मौजूदा टाइम में अगर वो मान लो प्रॉपर्टी का सौदा बी के साथ करता है, तो हो सकता है उसको 1 लाख में मिल जाए वो प्रॉपर्टी, और उसे अगर बी को पता चल जाए कि ए की डेथ हो चुकी है, तो हो सकता है वो राइट ज्यादा कर दे। तो यहाँ पर अपना बचाव करने के लिए इस व्यक्ति ने बिलीव में आकर ये अगर सी के साथ कॉन्टेक्ट कर लेता है, तो ये उसका सी का एक्टिव कंसीलमेंट हो जाएगा, और वो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्टेक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि सपोज करिए एक आदमी है ए, इसे कहीं से ये नॉलेज मिली कि बी की जो ये लैंड है, इस लैंड में क्या है, कोई मिनरल्स निकल रहे हैं, या यहाँ पर गोल्ड निकल रहा है, यानी कि इस जमीन के नीचे काफी मिनरल्स और गोल्ड दबे हुए हैं। बी को ये बात पता है, बी को ये बात पता होने के बावजूद ये ए के पास आता है। ए इसके बारे में इग्नोरेंस है, इग्नोर है बिल्कुल, ए को कुछ नहीं पता। बी ए के साथ अगर इस बात को छुपाकर कंसीलमेंट करके, एक्टिवली कंसीलमेंट, जो उसे बताना चाहिए था अगर वो उसको कंसीव कर देता है, ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्ट को आप वॉइडेबल कहोगे, किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर। बी नहीं कर सकता उसको वॉइडेबल डिक्लेयर, ए जो है उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। ये है आपका कंसेप्ट एक्टिव कंसीलमेंट का। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो कहता है अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। एक ऐसा प्रोमिस आप कर रहे हो कि जिसके लिए आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि आप उसे परफॉर्म करोगे। एक आदमी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है कोई, ए बी से लोन लेता है, और इसको स्टार्टिंग में ये प्लानिंग थी कि मैं बी को जो है लोन पेमेंट ही नहीं करूंगा। तो प्रोमिस करा है, और उसको पता है कि वो उसको कहीं भी लोन नहीं चुकाएगा, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट देना ही नहीं, अगर फॉल्स प्रॉमिस भी आप कर रहे हो तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी अदर एक्ट फिटेड, कोई और भी इस टाइप का एक्ट है जिसमें कोई कंसीलमेंट होना नहीं चाहिए था लेकिन आपने कर दिया, जिससे आप किसी को धोखा देना चाहते हो, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है फ्रॉडुलेंट, ठीक है।
कोई आपने एक्ट किया या कोई ऐसा ओमिशन किया जिसके बारे में आपको पता था, ठीक है, और आपने उसके बारे में नहीं बताया, तो वो क्या माना जाएगा? वो ये माना जाएगा कि आपका फ्रॉडुलेंट एक्ट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फ्रॉडुलेंट बायर की बात होती है सेक्शन 55 में, उसमें सेक्शन 55 ऑफ टीपीए बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की। वो कहता है कि जहाँ पर बायर को सॉरी सेलर को इस बारे में पता था कि उस प्रॉपर्टी में कुछ डिफेक्ट है और वो जो है बायर के को नहीं बताना चाह रहा और बायर जो है वो कहीं से पता भी नहीं कर पाता उसके बारे में, तो वो भी एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये है हमारा फ्रॉड का फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो है स्टेटमेंट्स ऑफ रॉन्ग फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ रॉन्ग फैक्ट्स वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रॉन्गफुल इंटेंशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो ज़्यादा कुछ रॉन्गफुल इंटेंशन में एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, चलो आज की क्लास में ही कंटिन्यू कर लेते हैं, नेक्स्ट तक क्यों छोड़े, ये मुश्किल से 4-5 मिनट का लेक्चर है रॉन्गफुल इंटेंशन का। रॉन्गफुल इंटेंशन क्या होगी, क्या मानेंगे हम रॉन्गफुल इंटेंशन? इसमें इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव का मतलब दूसरे को धोखा देने के पर्पज से, दूसरे को डिसीव करना, दूसरे को धोखा देना, वो क्या है? रॉन्गफुल इंटेंशन है। रॉन्गफुल इंटेंशन में आप समझोगे इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिसीव इंटेंशन टू डिसीव आ जाएगा, और बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट which induce the person, which induce the person enter into a contract। तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि उसकी wrongful intention थी। अगर कोई हंसी मजाक में कह दे कि वो property जो है तू ले ले और उस प्रॉपर्टी में तुझे बेनिफिट होगा, लेकिन वो बाद में बता देता है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, तो वो क्या इंटेंशन नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? एक लैंडमार्क केस है डेरी वर्सेस पीक, डेरी वर्सेस पीक, इसमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे फ्रॉड के, जिनकी रॉन्गफुल इंटेंशन कब कब मानी जाएगी, तो इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो इस केस में कहा गया था कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉन्गफुल इंटेंशन, इंग्रेडिएंट्स of wrongful intention, कौन कौन से ingredients होंगे उसने कहा। इस court में जो है, इसमें ये English case है, तो वहाँ की court ने ये बात कही कि fraud को आप तभी मानोगे जब जिस व्यक्ति ने false representation दिया है, false statement दी है, उस व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? सबसे पहले knowledge होनी चाहिए कि हाँ वो false statement दे रहा है। अगर उसने किसी की सुनी सुनाई बातों से बता दिया और ये सोचता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकंड, विदाउट बिलीफ, विदाउट बिलीफ ऑफ ट्रथ, वो जो है ट्रथ पे जो है विश्वास के बिना वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसे सच्चाई का पूरा पता नहीं है, फिर भी वो बिना सच्चाई पर विश्वास करे ही ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। थर्ड पॉइंट है केयरलेसली, केयरलेसली जानबूझकर, लापरवाही से अगर उसने स्टेटमेंट दिया है, तो ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स रॉन्गफुल इंटेंशन में आ जाएंगे, और वो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है रॉन्गफुल इंटेंशन के होंगे और वो फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। तो अगर उस बंदे को नॉलेज है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत स्टेटमेंट है और वो जानबूझ के दे रहा है, या वो स्टेटमेंट पर खुद को उसको पता है कि ये जो फैक्ट्स वो बता रहा है वो सही नहीं है और फिर वो स्टेटमेंट दे रहा है, या वो जानबूझकर लापरवाही से कोई स्टेटमेंट दे रहा है, लापरवाही कर रहा है और किसी दूसरे को मिसगाइड कर रहा है, तो वो भी माना जाएगा कि फ्रॉड की कैटेगरी में ये फॉल कर जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर कोई कॉन्टैक्ट होता है तो वो कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा? वो कॉन्टैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है कोई,
एक फैक्ट्री है ये वाली, ये कोई ऐसे फैक्ट्री है, ये एक ही फैक्ट्री है। इसके एनुअली जो इनकम थी पहले, एनुअली इनकम जो थी वो थी 5 करोड़। इसने कर लिया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल तो कर लिया, लेकिन उसी टाइम एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद इसे पता चलता है कि अब इसकी कीमत जो है वो एनुअल इनकम सिर्फ 2 करोड़ रह गई है। तो ये एक मटेरियल फैक्ट था, इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसे बी को बताना चाहिए था लेकिन इसने बी को नहीं बताया, तो ये क्या माना जाएगा, ये इसकी रॉन्गफुल इंटेंशन हो गई है और फ्रॉड की कैटेगरी में ये फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है इसको क्या कर सकता, सॉरी बी जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई फॉल्स सिग्नेचर करके भी कोई काम किया जाता है तो वो भी इसी की कैटेगरी में, फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है, केस का नाम मैं लिखवा देती हूँ आपको। केस का नाम है कमल कांत वर्सेस प्रकाश देवी। कमल कांत वर्सेस प्रकाश देवी। यहां पर मैटर क्या था, एक ट्रस्ट डीड थी, एक ट्रस्ट डीड थी, इस पर प्रकाश देवी के सिग्नेचर हो गए। प्रकाश देवी ने क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। और ट्रस्ट डीड को जो अटेस्ट किया गया, ट्रस्ट डीड के सिग्नेचर कर दिए यानी कि पावर ऑफ अटर्नी दे दी गई, अटेस्टेड किया गया हस्बैंड ऑफ प्रकाश देवी। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ये, इन आप केस का नाम चाहे छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप, ठीक है। ये प्रकाश देवी जो है ये पढ़ी लिखी लेडी, इसने सिग्नेचर कर दिए, ये केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे कैंसिल कर सकते हो, ये कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप इस चीज का। तो अब वो सिग्नेचर हो गया, तो अब ये अगर मान लो प्रकाश देवी कोर्ट में क्लेम करती है कि ये सिग्नेचर तो गलती से हो गए थे, तो अगर ये एक एजुकेटेड पर्सन है तो गलती से सिग्नेचर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, सॉरी जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का फ्रॉड कमिट नहीं किया गया। ये एग्जांपल के तौर पर आप कर सकते हो, बाकी इतना लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केस ये नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मैडम क्या केसेस इंपॉर्टेंट, देखिए आप मांगे की बुक को कंसिडर कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप प्रूफ को जो है, सॉरी फ्रॉड का प्रूफ कैसे दोगे, ठीक है, फ्रॉड का प्रूफ देना जो है किस तरीके से होगा, तो ये टोटली डिपेंड करेगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर कि फैक्ट्स क्या थे। जो प्रूफ ऑफ फ्रॉड होता है, प्रूफ ऑफ फ्रॉड जो आप दोगे टोटली डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस पर ये होगा। कोई स्पेसिफिक प्रूफ जो है आप नहीं दोगे, कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रूफ भी दे सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you for watching and have a nice day.